डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। पुर्तगाल, जिसे आधिकारिक तौर पर पुर्तगाली गणराज्य कहा जाता है, 1128 ईस्वी में स्थापित हुए पुर्तगाल गणराज्य को यूरोप के सबसे पुराने देशों में से गिना जाता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस देश से जुड़ी कुछ रोचक बातों पर। पुर्तगाल का कोयंबरा विश्वविद्यालय, जो दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, लेकिन इसकी ये लाइब्रेरी कई मायनों में अनोखी है। जरा इन तस्वीरों को देखें, लाइब्रेरी की दीवारें सोने से मढ़ी हुई है। सिर्फ यही नहीं, इस लाइब्रेरी में ऐसी कई किताबें हैं जिन पर सोने के कवर चढ़ाए गए हैं। वहीं इसमें रखी किताबों को दीमकों से बचाने के लिए एक अनूठा ही प्रयोग किया गया। दरअसल यहाँ चमगादड़ पाले गए हैं जो दीमकों को खा जाते हैं, और इस तरह से किताबें सुरक्षित रहती हैं। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा आमलेट बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी पुर्तगाल के नाम ही है। यहाँ साल 2012 में एक शेफ ने दुनिया का सबसे बड़ा आमलेट बनाया था, जिसका कुल वजन 6.466 टन यानी कि करीब 5,443 किलो से भी ज्यादा था। इसके अलावा पुर्तगाल में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संख्या 15 है, जिसमें अल्कोबाका मठ, बटाला मठ और ऑल्टो डोरो वाइन क्षेत्र शामिल हैं। इस तरह से सबसे ज्यादा विश्व विरासत स्थलों के मामले में पुर्तगाल गणराज्य यूरोप में 8वें और दुनिया में 17वें पायदान पर आता है। और आखिर में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की, तो यहाँ वास्को डी गामा नाम का एक पुल है, जिसे यूरोप का सबसे लंबा पुल माना जाता है। इस पुल की कुल लंबाई 17,000 मीटर से भी ज्यादा है। और पानी के नीचे बना दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम पार्क पुर्तगाल में ही है। इसे ओशियन रिवाइवल अंडरवाटर पार्क के नाम से पुकारा जाता है। तो कुल मिलाकर पुर्तगाल की भाषा, रहन सहन, वेशभूषा और संस्कृति जैसे कई ऐसे पहलू हैं जो इसे दुनिया के बाकी देशों से जुदा बनाते हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।